देश भर में इस साल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश का एक ऐसा स्कूल है जहां बच्चों को महात्मा गांधी के बारे में बताने के लिए एक खास गैलरी तैयार की गई है, जिसमें स्कूली बच्चे गांधी के जन्म से लेकर कई रोचक जानकारियां जुड़ी हुई हैं जिन्हें वह समझ पाते हैं। डिंडोरी जिले में एक विद्यालय ऐसा भी है जहां स्वतंत्रता के महानायक महात्मा गांधी के बचपन से लेकर मृत्यु तक का चरित्र चित्रण विद्यालय की दीवारों में सचित्र गैलरी के रूप में लगाया गया है। स्कूली बच्चों को गांधी जी के इतिहास को बताने के लिए सचित्र बापू की गैलरी को पोस्टरों के माध्यम से दीवारों में क्रमवार लगाया गया है। बता दें कि यह वही विद्यालय है जो लगातार उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कई सम्मान प्राप्त कर चुका है। बापू की गैलरी में उनका बचपन, शिक्षा, दीक्षा तथा देश की स्वतंत्रता के लिए किए गए उनके प्रयासों को सचित्र चित्रण किया गया है। शिक्षकों की माने तो स्कूलों के पाठ्यक्रमों में तो पूज्य महात्मा गांधी के बारे में पढ़ाया ही जाता है, किंतु इस बापू की गैलरी के माध्यम से स्कूल के बच्चे और आसपास के बच्चे भी उनका इतिहास देखते पढ़ते और दोहराते हैं, जिसमें बापू के विचारों को जानने और उनका अनुसरण करने की प्रेरणा बच्चों को मिल रही है। ये महात्मा गांधी के बारे में लगा है और इसे सब बच्चे पढ़ के महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं। विद्यालय के बच्चों ने बताया कि गांधी जी की 150वीं जयंती के बाद यह प्रदर्शनी विद्यालय में लगाई गई है। यहां सिर्फ स्कूल के बच्चे ही नहीं बल्कि अन्य विद्यालयों के बच्चे भी इसे देखने और पढ़ने के लिए आते हैं। लगातार सराहनीय कार्यों को लेकर इस स्कूल के प्रधान पाठक प्रवीण सोनकिया को पूर्व में भी राष्ट्रपति राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। हमारा यह उद्देश्य था कि महात्मा गांधी का हम 150वें जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, तो इस वर्ष में बच्चों को कुछ स्थायी इस प्रकार की जानकारी दें कि उनको जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक का और उनने जो भी जिंदगी में संघर्ष किया वो सारे संघर्षों की जानकारी हमारे बच्चों को इस प्रकार प्राप्त हो कि वो अपनी ज़िंदगी में उनके विचारों का आत्मसात कर लें और कभी उसको भूलें ना। बच्चे देख के सीख रहे हैं, आते हैं, कुछ चित्रों के बारे में पूछते हैं कि सर ये चित्र कहाँ का है, कैसा है। हमारे विद्यालय के तो बच्चे देख रहे हैं, अगल बगल के कुछ विद्यालय के और बच्चे को भी जानकारी होते हैं वो भी देखने आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।